प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत आपका श्री श्याम स्कूल भादरा के यूट्यूब चैनल पर। मैं इरशाद। देखिए, हमने लास्ट कक्षा में बात की थी मानव भूगोल के संबंध में, उसकी प्रकृति और उसके विशेषता। और जो आपका सेकंड लेसन है, दूसरा लेसन है, वो है विश्व की प्रमुख जनजातियाँ, मेजर ट्राइब्स ऑफ द वर्ल्ड। उसके बारे में हम बात करेंगे, कौन कौन सी जनजातियां हैं और कहां कहां पर उनके निवास क्षेत्र हैं, क्या उनके आर्थिक क्रियाकलाप हैं, क्या उनके सामाजिक सांस्कृतिक जनजीवन हैं, और देखेंगे साथ साथ में किन किन विश्व के किन किन क्षेत्रों में वो व्यवस्थित फैले हुए हैं। तो चलिए, हम बात कर रहे हैं विश्व की प्रमुख जनजातियां, मेजर ट्राइब्स ऑफ द वर्ल्ड। देखिए, प्राचीन काल की बात करें तो प्राचीन काल में जो तकनीकी विकास का स्तर या मानव के विकास का जो स्तर था, वो बहुत निम्न था। लेकिन धीरे धीरे तकनीकी विकास का स्तर क्या हुआ, बढ़ता गया। मानव क्या किया, मानव ने इस पर्यावरण के साथ में, या वातावरण के साथ में धीरे धीरे समय के अकॉर्डिंग समायोजन करना शुरू किया। मतलब इस वातावरण के अकॉर्डिंग बनना शुरू किया और समायोजन के बाद में धीरे धीरे क्या किया, तीव्र गति से परिवर्तन करना शुरू कर दिया। जो हम विकसित क्षेत्रों को आज देख रहे हैं, उन्होंने बहुत ज़्यादा तीव्र गति से परिवर्तन किया था वातावरण में, और जो विकासशील श्रेणी है वो लगातार प्रयास कर रहे हैं, और जो अविकसित राष्ट्र हैं उन्होंने अभी तक ऐसी टेक्नोलॉजी, ऐसे तकनीकी विकास स्तर जहाँ तक उनके लिए सक्षम हैं और जो आज वर्तमान में है उनकी वहाँ तक पहुँच नहीं है। ठीक है, तो मानव ने तीव्र गति से परिवर्तन करना शुरू कर दिया। लेकिन वर्तमान की दृष्टि से देखा जाए तो विश्व में कई ऐसे लोग हैं जो जनजातीय जीवन में लिप्त हैं। जैसे हम बात करें कि कुछ आदिम ढंग के लोग, आदिम जनजीवन वाले लोग आज भी विश्व के कई क्षेत्रों में निवास करते हैं, और उनके जो क्षेत्र होते हैं, जैसे हम बात करें शीत प्रदेश की, उष्ण व गर्म प्रदेश, या हम कह सकते हैं शुष्क प्रदेश, या हम कह सकते हैं दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र, इन क्षेत्रों में आज भी कई लोग आदिम ढंग से जीवन बिता रहे हैं। उनका क्या है, उनका सांस्कृतिक वातावरण और उनकी जो अर्थव्यवस्था, जो आर्थिक क्रियाकलाप है, वो भी अलग पाए जाते हैं। इन जनजातीय लोगों का जो आर्थिक क्रियाकलाप है, मतलब इनकी अर्थव्यवस्था का जो आधार है, इन जनजातीय लोगों की अर्थव्यवस्था का जो आधार पाया जाता है, वो क्या पाया जाता है, या तो मिलेगा आपको खाद्य संग्रहण, मतलब भोजन इकट्ठा करते हैं, या क्या मिलेगा आपको, घुमक्कड़ जीवन मिलेगा एक स्थान से दूसरे स्थान पर, या पशुचारण। तो ये सारे के सारे क्रियाकलाप इन जनजातीय लोगों की अर्थव्यवस्था का आधार माना जाता है। और धीरे धीरे जो मानव ने तीव्र परिवर्तन किया है, जो हम आधुनिक मानव के रूप में हैं, उन आधुनिक सभ्यताओं से इनका जो संबंध है वो
संबंध टूट चुका है। प्राचीन जो सभ्यताएं हैं, जैसे ये जनजातीय लोग हैं, इनका आधुनिक जो लोग हैं, जो जातियां हैं, उनके साथ में संबंध बिल्कुल कम पाया जाता है, न के बराबर पाया जाता है, या हम ये कह सकते हैं नगण्य पाया जाता है। अब हम बात करते हैं जनजातियों की, कि भी जनजाति किसे कहते हैं, जनजातीय समूह है किसे कहते हैं, ये देखेंगे। जनजातीय समूह में देखिए, जनजाति, अगर एक नंबर का क्वेश्चन आता है जनजाति किसे कहते हैं या जनजाति समूह है किसे कहते हैं, तो क्या लिखेंगे कि वह समूह है जो सामाजिक रीति रिवाज व सांस्कृतिक परंपराओं के रूप में घनिष्ठ प्रतीत होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, जनजातीय समूह है कहते हैं। देखिए, जनजातीय समूह है सिर्फ जैविक नहीं है, सिर्फ जैविक नहीं है, बल्कि इसके साथ में क्या जुड़ जाता है, सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण जुड़ जाता है। जैविक ही नहीं है, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक जनजीवन भी इनका क्या पाया जाता है, अलग पाया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, जनजातीय समूह है कहते हैं। और विश्व में कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर विभिन्न प्रकार की जनजातियां पाई जाती हैं, वो जनजातियां देखेंगे कौन कौन से क्षेत्र में पाई जाती हैं। देखिए, हम बात कर रहे हैं नंबर एक, ध्रुवीय प्रदेशों में रहने वाले निवासी, ऐसी कौन सी जनजाति हैं जो ध्रुवीय प्रदेशों में निवास करती हैं, उसके बारे में हम बताएंगे। तो कौन सी प्रजातियां हैं, एक तो हैं एस्किमो जनजाति और एक स्मोइड्स। ये प्रजाति ध्रुवीय क्षेत्रों में निवास करती हैं। दूसरी बात करेंगे विषुवत रेखीय संघन वनों के निवासी, ये इसके अंतर्गत विषुवत रेखीय संघन वनों के निवासी कौन से हैं, पिग्मी जनजाति, सेमांग, स्काई, ये जनजातियां विषुवत रेखीय संघन वनों के अंतर्गत निवास करते हैं। देखिए, हम बात कर रहे हैं विश्व के मानचित्र में, हम देखेंगे कि ये प्रजातियां कहां अवस्थित हैं, देखिए ये है 0 डिग्री विषुवत रेखा, ये है 23.5 डिग्री कर्क रेखा, और ये 23.5 डिग्री ये दक्षिण की बात है मकर रेखा, ये नॉर्थ में है, ये साउथ में। तो एस्किमो और स्मोइड्स की बात की जाती है तो इन क्षेत्रों में जो ध्रुवीय क्षेत्र हैं, देखिए 66.5 का यहाँ पर 66.5 डिग्री
नॉर्थ है। और इस क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? आर्कटिक वर्त के नाम से जाना जाता है। इस आर्कटिक के क्षेत्र में एसिकमो जनजाति, समर्ड्स और उत्तरी साइबेरिया के क्षेत्र में कौन सी जाति निवास करती हैं? इन क्षेत्रों में एसिकमो और समर्ड्स जनजाति निवास करती है। वहीं हम बात करेंगे पिग्मी की, तो पिग्मी जनजाति हमने क्या कहा है? विषुवत रेखीय संघन वनों के निवासी। विषुवत रेखीय संघन वनों के निवासी मतलब यहाँ पर विषुवत रेखा क्षेत्र है ये, यहाँ पर कौन सी जनजाति निवास करती है? पिग्मी जनजाति निवास करती है। और यहाँ पर इस क्षेत्र में सेमांग जाति, मलेशिया के क्षेत्र में सेमांग जाति निवास करती है। ये क्षेत्र हो गए। अब तीसरा क्षेत्र हम देखेंगे उष्ण एवं शुष्क कालाहारी मरुस्थल के बारे में। उष्ण व शुष्क कालाहारी मरुस्थल के निवासी कौन सी जनजाति निवास करती हैं? बुस्मेन। कौन सी जनजाति? बुस्मेन जनजाति निवास करती है। और बुस्मेन जनजाति का निवास स्थान है कहाँ पर? ये दक्षिणी अफ्रीका महाद्वीप, ये कालाहारी मरुस्थल यहाँ पर है, यहाँ बुस्मेन जनजाति निवास करती है। ठीक है, अब उसके बाद में हम देखेंगे कि चौथा आता है उष्णकटिबंधीय घास के क्षेत्रों में। उष्णकटिबंधीय घास के क्षेत्र कौन से? मसाई और बद्दू। मसाई और बद्दू दो प्रमुख जनजातियां पाई जाती हैं उष्णकटिबंधीय घास के मैदानों। देखिए उष्णकटिबंधीय घास के मैदानों पर, यहां पर जो अरबियन कंट्रीज है, यहां पर बद्दू जनजाति पाई जाती है। और इस क्षेत्र में जो पूर्वी अफ्रीका का जो क्षेत्र है, यहाँ पर पाई जाती है मसाई जनजाति। तो ये जो क्षेत्र हैं, ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र हैं। 0 से 23.5 के बीच में उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है उत्तर के अंतर्गत, और जिसमें कौन सी जनजातियाँ निवास करती हैं? मसाई और बद्दू। अगले की बात करें पांचवें की, तो समशीतोष्ण घास के मैदान में निवास करने वाले कौन सी जनजाति हैं? खिरगिज जनजाति हैं जो समशीतोष्ण घास के मैदान में निवास करती हैं। तो खिरगिज जो जनजाति है वो यहाँ पर मध्य एशिया के अंतर्गत निवास करती हैं, खिरगिज जनजाति। अब हम बात करते हैं अगली, दुर्गम पहाड़ी व पठारी क्षेत्रों में कौन सी जनजाति निवास करती हैं? दुर्गम पहाड़ी व पठारी क्षेत्रों में निवास, देखिए इसके अंतर्गत भील, गौड़, संथाल, मीणा, ये जनजातियाँ पाई जाती हैं। जैसे भील की बात करेंगे भारत में, गोंड की बात करेंगे भारत में पाई जाती हैं, मीणा भी पाई जाती हैं। तो ये सारी जनजातियाँ अलग अलग क्षेत्रों में पाई जाती हैं। 6 प्रमुख क्षेत्रों में विश्व वितरण के रूप में आपको दर्शाया गया है कि ध्रुवीय प्रदेशों में किस पर कौन सी जनजातियाँ निवास करती है। विषुवत रेखीय क्षेत्रों में कौन सी हैं? उष्ण एवं शुष्क कालाहारी मरुस्थल में कौन सी हैं? उष्ण कटिबंधीय घास के क्षेत्रों में कौन सी हैं? समशीतोष्ण में कौन सी जनजाति निवास करती है? और दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में कौन सी? तो इनमें से हमें कुछ प्रमुख जनजातियां हैं जिनके बारे में अध्ययन करना है हमें। तो चलिए हम सबसे पहले, हमारे पास में एक जनजाति है एसिकमो जनजाति, इसके बारे में हम विस्तृत रूप में देखेंगे कि इसके अंतर्गत क्या क्या इनका निवास क्षेत्र है, क्या क्या इनका आर्थिक क्रियाकलाप हैं। और एसिकमो जनजाति आपको बता दिया मैंने कहाँ निवास करती हैं, किन प्रदेशों में रहती हैं। तो इस प्रकार की कुछ विशेषताएं हैं जिनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो एसिकमो जनजाति,
एस्किमो जनजाति आर्कटिक प्रदेशों में मानव आज भी क्या है, प्राचीन काल में प्राचीन समय के अकॉर्डिंग चल रहा है। और आर्कटिक प्रदेशों की बात करें तो अभी हमने डिस्कस की थी कि आर्कटिक प्रदेश के अंतर्गत कौन सा क्षेत्र है, और ये क्षेत्र जो हैं ये आर्कटिक प्रदेश में हैं और ये ध्रुवीय प्रदेश हैं, इनको टुंड्रा प्रदेश कहा जाता है। और एस्किमो जनजाति का जो आजीविका का मुख्य आधार है, आजीविका की बात करें, आजीविका का जो मुख्य आधार है वो क्या है, अखेट हैं, मछली पकड़ना है और संग्रहण है। अब देखिए, पूछा जा सकता है एस्किमो जनजाति की आजीविका का मुख्य आधार क्या है, तो अखेट, अखेट का मतलब शिकार करना, मछली पकड़ना, संग्रहण का मतलब यहां लिया गया है भोजन संग्रहण के रूप में लिया गया है। अब एस्किमो जनजाति है, इस एस्किमो शब्द का अर्थ क्या होता है, एस्किमो का अर्थ होता है क्या होता है, कच्चा मांस खाने वाला, कच्चा मांस खाने वाला तथा बर्फीले बर्फीले क्षेत्रों में निवास करने वाला। एस्किमो का अर्थ क्या है, कच्चा मांस खाने वाला तथा बर्फीले क्षेत्रों में निवास करने वाला क्या कहलाता है, एस्किमो कहलाता है। अब इसके बाद में हम बात करेंगे कि इसके अंतर्गत इस जनजाति के जो उत्पत्ति है वो कौन सी प्रजाति के द्वारा हुई है। कुछ प्रजातियों के वर्गीकरण हैं, जैसे हम बात करेंगे विश्व में प्रमुख तीन प्रजातियां पाई जाती हैं, एक तो है काकेसाइड्स, दूसरी है मंगोलाइड्स और तीसरी है निग्रोइड्स। तीन प्रजातियां पाई जाती हैं प्रमुख रूप से विश्व में। इसके अंतर्गत इन तीन प्रजातियों में एस्किमो जो जनजाति हैं वो किस प्रजाति का समूह है, वो है मंगोलाइड प्रजाति का समूह है। अब देखिए, एक तो जनजाति और एक प्रजाति, प्रजाति किसे कहते हैं, प्रजाति कहते हैं जैविक समूह को, जिसके अंतर्गत क्या होता है, उसकी शारीरिक संरचना का विवरण प्रस्तुत होता है और साथ साथ में अगर सामाजिक और सांस्कृतिक जनजीवन भी जुड़ जाता है तो वो क्या हो जाता है, जनजातीय समूह हो जाता है। तो एस्किमो मंगोलाइड प्रजाति की है और इसकी बात करेंगे, इसका जो चेहरा है, इसका चेहरा, चेहरे की बात करेंगे, सपाट व चौड़ा पाया जाता है। इसके चेहरे की बात करेंगे, इसके कद की बात करेंगे, कद क्या पाया जाता है, मध्यम मंजिला पाया जाता है एस्किमो जनजाति के लोगों का। नाक कैसी पाई जाती है, नाक पाई जाती है चपटी, ठीक है। और आंखों की बात करेंगे तो आंखें कैसी है, गहरी है, आंखें गहरी कथई है, गहरी कथई आंखें पाई जाती हैं। इसके बाद में दांतों की बात करेंगे, सफ़ेद और मजबूत दांत पाए जाते हैं इनके, ठीक है। और ये क्या होते हैं कि ये हष्टपुष्ट शरीर वाले होते हैं, क्या होते हैं, मजबूत व हष्टपुष्ट शरीर वाले होते हैं। अगर कोई प्राकृतिक आपदा भी इनके सामने आती है तो उनका सामना करने में ये क्या होते हैं, सक्षम होते हैं, ठीक है। और ये बिल्कुल सरल और शांत स्वभाव के होते हैं एस्किमो जनजाति के लोग। अब आगे हम पढ़ेंगे इसके निवास क्षेत्र के बारे में, इसकी अर्थव्यवस्था के बारे में, आर्थिक क्रियाकलाप के बारे में और सामाजिक जनजीवन के बारे में, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।